शुगर एक ऐसी बीमारी जिससे देश की करीब आधी आबादी पीड़ित है। इसी शुगर रोग को कंट्रोल करने का दावा चंडीगढ़ की जीवन संचार वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के द्वारा किया गया है। दरअसल ये सोसाइटी पिछले काफी समय से आयुर्वेदिक औषधियों के माध्यम से शुगर रोगियों की शुगर को कंट्रोल करने का निःशुल्क काम कर रही है। देश को शुगर रोग से मुक्त करवाने के उद्देश्य से रविवार को चंडीगढ़ में इस सोसाइटी की तरफ से मुफ्त शुगर कैंप का भी आयोजन किया गया। कैंप में शुगर रोगियों का चेकअप करने के पश्चात उन्हें निःशुल्क दवाइयां भी उपलब्ध करवाई गई। इस कैंप में पार्षद गुरुबख्श रावत ने बतौर मुख्य अतिथि शिरकत की और अपना शुगर चेकअप भी करवाया। पार्षद गुरुबख्श रावत ने पत्रकारों से बात करते हुए आयुर्वेद को कुदरत का दिया एक वरदान बताते हुए कहा कि ये मुहिम शुगर रोगियों के लिए एक आशा की किरण है। वहीं वरदान आयुर्वेद के मैनेजर डायरेक्टर सुभाष गोयल का कहना है कि आयुर्वेदिक औषधियों का इस्तेमाल अगर सही ढंग एवं सही विधि से किया जाए तो ये कई लाइलाज बीमारियों को कंट्रोल करने एवं जड़ से खत्म करने में सहायक साबित हो सकता है। आयुर्वेद हम सभी जानते हैं कि हमारे भारतवर्ष की वो पद्धति है जिसको ऋषि मुनि ने से लेकर अब तक लगातार न जाने कितने सालों से हमें निरोग रखने के लिए इसका इस्तेमाल किया गया। मैं बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार हूँ कि मुझे आज इस शिविर में आने का मौका मिला, क्योंकि आयुर्वेदा जो पद्धति है निश्चित रूप से बहुत सारे रोगों का इलाज कर रही है, लेकिन आज की जो जिस तरह से खान पान है, जिस तरह से रहन सहन है, शुगर की बीमारी बढ़ती जा रही है और इसका जड़ से निवारण करने के लिए मुझे लगता है कि आयुर्वेद के जो भी पद्धतियां हमारी न जाने कितने सालों से चली आ रही हैं, हमें उसका अनुसरण करते हुए इस बीमारी से निजात दिलाने के लिए जिस तरह से वरदान आयुर्वेदी GSM और बाकी ये सब लोगों ने कोलैबोरेट करके कैंप लगाया है, इनके इस कार्य की मैं बहुत बहुत सराहना करती हूँ। और मैं खुद डॉक्टर साहब से पर्सनली कहूँगी कि मुझे भी थोड़ा सा इसमें पार्टिसिपेट इस तरह से करने के लिए अवेयर करें, ताकि मैं अपने गली मोहल्लों में जाकर जो छोटे छोटे बच्चे 6-6, 8-8 साल के शुगर से पीड़ित हैं, बुजुर्ग तो हैं ही हैं, बच्चे भी पीड़ित हैं, उन सबको इस शिविर के थ्रू हम ज़्यादा से ज़्यादा लाभ पहुंचा सकें, ऐसी हमें भी शिक्षा दें, ताकि हम हमारे इस भारत देश की इस संस्कृति, इस सभ्यता, इस पद्धति को आगे बढ़ा सकें और आयुर्वेद के थ्रू ये जो औषधियाँ यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट हो रही हैं, ये हर घर घर तक पहुँचा सकें। एक ऐसा रोग है जिसका इलाज पूरी दुनिया में कहीं भी ऐसे नहीं कहा जा सकता कि ये जड़ से खत्म हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को ये भ्रांति हो जाती है, कई बार हम जब मैसेज देते हैं कि शुगर जड़ से कंट्रोल की जा सकती है तो उनको ये भ्रांति हो जाती है कि शुगर का शायद कोई ऐसा रोग इलाज है जो जड़ से ख़त्म कर देगा। ऐसा अगर कोई भी डॉक्टर या वैद्य या कोई भी इंस्टीट्यूशन ऐसा दावा करती है तो उससे आपको अवेयर रहना चाहिए। मेरा ये मैसेज स्ट्रांगली अपने देश के लोगों के लिए है और डायबिटिक पेशेंट के लिए ये बहुत ही स्ट्रांगली मेरा मैसेज है कि वो अपने जीवन से एक तो शराब को बिल्कुल त्याग दे अगर अच्छा जीवन जीना है, दूसरा अगर कोई भी इंसान उनको ये कहता है कि शुगर रोग जड़ से ख़त्म हो सकता है तो वो उस चीज़ के ऊपर बहुत अवेयर रहे, ऐसा नहीं हो सकता। इसको जड़ से कंट्रोल करने के लिए मेरी संस्था जो जीवन संचार वेलफेयर एंड चैरिटेबल सोसाइटी के नाम से हमने नियुक्त की हुई है, बनाई हुई है, उसमें डॉक्टर है, वैद्य है, MD आयुर्वेदा, PhD रिसर्च स्कॉलर, 32 डॉक्टर्स की टीम है जिन्होंने मिलकर इस काम को 25 साल से करते आ रहे हैं और उन्होंने एक ऐसी औषधि का निर्माण किया है जिसके लेकर के मैं अब निकला हूँ। देश के कोने कोने तक मैंने इसको पहुँचाने का एक बीड़ा उठाया है कि वो औषधि जो है अगर हम उसका एक चम्मच डेली सुबह खा लेंगे तो पूरा दिन हम कुछ भी करें, कैसा भी करें, कोई भी काम करें, कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस, कुछ भी करते रहें तो वो शुगर का लेवल आपका लाइफ टाइम नहीं बढ़ेगा, लेकिन इस दवाई को जीवन भर खाना होगा। इसके लिए भी हमारी संस्था ने एक इंतजाम किया है। मैं सभी को TV चैनलों के माध्यम से ये मैसेज देना चाहता हूँ कि जो इंतजाम हमारी संस्था ने किया है वो